लाहौर में जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क IMF का गुलाम बन चुका, मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों ने मईशत तबाह कर दी। जमात इस्लामी सियासी मैदान में मुकम्मल तौर पर मुतहरक। मुख्तलिफ शहरों में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद शुरू कर दिया। लाहौर में वस्ती पंजाब का वर्कर कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खुसूसी शिरकत की। कन्वेंशन से खताब में सिराजुल हक ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क IMF का गुलाम बन चुका, मईशत तबाह हो चुकी। इलेक्शन से फरार की कोशिश पर भरपूर मजामत करने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान पर हुकूमत है, किसी को पता भी नहीं है। बजट के दिन वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, 24 करोड़ अवाम के लिए हमने जो बजट पेश किया है, IMF के कहने पर मिन व अन हमने अमल किया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इस मुल्क पर आज भी वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंटों की हुकूमत है और उनके कहने पर यह मुल्क चल रहा है। IMF के कहने पर 24 करोड़ अवाम के जेबों पर हर रोज डाका डाला जाता है। जमात इस्लामी वर्ल्ड बैंक और IMF के इन जंजीरों को तोड़ना चाहती है। हम IMF के गुलामी से बगावत का ऐलान करते हैं। हमें नहीं चाहिए कर्जों पर पलने वाली जिंदगी। नायब अमीर जमात इस्लामी वकास अहमद भट्ट ने पार्टी मंशूर पेश किया। वकास भट्ट ने खताब में कहा कि तमाम सियासी जमातें नाकाम हो चुकी, मुल्की मसाइल का वाहिद हल अब सिर्फ जमात इस्लामी है। इस्लामी पंजाब वस्ती ने खुशहाल पंजाब प्रोग्राम का आज ऐलान किया है। पंजाब के अवाम को जमात इस्लामी यकीन दिलाती है कि इक्तदार में आकर खुशहाल पंजाब प्रोग्राम पर इंशाअल्लाह ताला अमल किया जाएगा। आईने पाकिस्तान के तहत आम इंतखाबात के 6 माह में बलदियाती हुकूमतों का क्याम जरूरी है, लेकिन पंजाब में गुज़श्ता 5 साल से बलदियाती अदारों को मुख्तलिफ हीलों और बहानों से अमलन मुअत्तल कर दिया गया है। जमात इस्लामी समझती है कि इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह पर तकसीम के लिए और मूर्सी सियासत के खात्मे के लिए बाख्तियार और मजबूत बलदियाती हुकूमतों का क्याम और तसलसल इंतहाई जरूरी है। वर्कर कन्वेंशन से नायब अमीर लियाकत बलोच समेत दीगर कायदीन ने भी खताब किया।